सो गाइस, ये हमारा लिवाइन का एक इलेक्ट्रिक इरेजर। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि आपको इलेक्ट्रिक इरेजर बाय करना चाहिए या नहीं। तो आज पूरी रिव्यू दूंगा इस वीडियो में एंड इसको यूज़ करके बताऊंगा कैसा है ये। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें डालनी पड़ेगी इसमें दो बैटरीज। जो हमारे रिमोट में जो सेल डलते हैं वही इसमें दो सेल डलने वाले हैं। तो आप पहले से मार्केट से परचेस कर सकते हो अगर आप इसको बाय करना है। बाकी फिर इसको जिस टाइप से इसको लगा देना है हमें, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक टाइप का है, तो इसमें आपको सिंपली लगा देना है। कहाँ का आप इसको कुछ इस टाइप से रोटेट कर यूज़ कर सकते हो। इसके साथ कुछ रिफिल्स भी मिलती हैं इसकी, बट इसको आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसके साथ आपको 6-7 मिल जाएगी, बट अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना तो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगी। ये मैंने कॉम्बो में बाय करा था, मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ में ये दो बॉक्स और एक ये इरेजर। तो इस टाइप से कुछ इसको रोटेट कर ये इरेज करता है। इसमें आपको निकल भी जाता है ताकि आप इसमें जो छोटी साइज़ का इरेजर है वो लगा सको। तो मैं अभी आके जल कर आपको इसको लगा कर बता दूंगा। बाकी के साथ इस कुछ इस टाइप का इस अगर आपको इसको बाय करना तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको एक लिवाइन की ब्रांडिंग भी दिख जाती है जो आप कुछ इस टाइप से दिख जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस इसकी प्राइसिंग है ऑलमोस्ट 400 रुपीज़। अगर आपको बाय करना हो सिर्फ पेन एंड रिफिल के साथ बाय करना तो ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा है। बाकी इसको एक बार मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ किस टाइप से यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हो मेरी ड्रॉइंग है, इन पर फटाफट से मैंने यहाँ पर एक ब्लेंड कर देता हूँ एंड फिर हम बाद में आपको बताता हूँ रेड की छोटी वाली साइज़ और बड़ी वाली साइज़ से आप किस टाइप से इरेज कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा पेन ले लेते हैं हम, वो हमारा पेन ये रहा। एंड यहाँ पर मैंने अभी छोटी वाली रिफिल लगा रखी है, तो इससे हमारे जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स आते हैं वो हम इससे बना सकते हैं। जैसा कि आप कुछ इस टाइप से इसको प्रेस कर यहाँ पर बना सकते हो एंड ये रोटेट करता है, इसीलिए वजह से हमने इसमें सेल डाले थे। एंड कुछ इस टाइप से अगर आप हेयर्स ड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प कर देगा। इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग भी आप इससे कर सकते हो एंड इसमें आपको एक बड़ी रिफिल भी मिलती है, वो मैं आपको एक बार लगा के बता देता हूँ। तो वो आपको थोड़ी बड़ी जगहों में काम आ सकती है, जैसे आप देख सकते हो ये अभी शार्प नहीं है, तो इसको आप शार्प भी करके सही से एक बार यूज़ कर सकते हो। बाकी कुछ इस टाइप से इसमें जो है इरेज करता है। यहाँ पर मैं कुछ आप मेरे आर्टवर्क बता देता हूँ आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऋतिक रोशन का स्केच मैं बना रहा हूँ एंड यहाँ पर जो आई में आपको ये जो डिटेल दिख रही है वो सब मैंने इसी से ड्रॉ करी है। एंड यहाँ पर मेरे पास एक और आर्टवर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्लास का आर्टवर्क है एंड यहाँ पर जो छोटी मोटी सब डिटेल है ये सब मैंने उसी इरेजर से करी है एंड बहुत अच्छा इरेजर है। एंड हाँ गाइस, अगर आप स्केचिंग करते हो या कोई भी आर्टवर्क करते हो या आपको स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग करना है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी एक टॉम्बो मोनो भी आता है, उसका भी रिव्यू मैं बाद में डाल दूंगा। बाकी गाइस हाँ गाइस, आपको परचेस करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे को नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।